नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे नपुंसक योग। जैसे कि शब्द से प्रतीक है कि किसी अंग में किसी चीज का कम होना या किसी चीज का डिफेक्ट दिखाना, तो अपने हाथों पर हम कैसे देखें। आजकल के युवक और युवतियों में ये ज्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अपने हाथों पर तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम व्यवहार के बारे में बताती है। तो आज हमने बात की है, जिक्र की है नपुंसक योग के बारे में। नपुंसक योग बनता कैसे है, अगर देखें आपका हाथ, ये जो शुक्र का पर्वत है, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं। अगर ये शुक्र का पर्वत दब जाए, अपने स्थिति से ये ज्यादा दब जाए और इस पर्वत के ऊपर जाल सा बन जाए, और जाल के अलावा यहां पर एक दीप बन जाए, ये दीप इस स्थिति में ये नपुंसक योग बनता है। और ऐसे लोगों के लाइफ में देखें तो जो प्रजनन शक्ति होती है बच्चा पैदा करने की, वो क्षीण मात्रा में हो जाती है और ना के बराबर हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये युवक कई बार गलतियां करते हैं। अगर किसी के हाथ में ये पर्वत ऊपर उठा है और उसके ऊपर ये जो जाल का चिन्ह बना है, कई बार बचपन में गलतियां कर बैठते हैं और उसका भी कारण ये बनता है कि ऐसे लोग नपुंसक बन के रह जाते हैं। और जीवन में अगर देखें तो काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ इस योग को अगर देखें, अगर कई बार आप देखें यहां पर एक काले रंग का धब्बा आ जाए ऐसी, या नीले रंग का धब्बा आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये लेडीज के इंटरनल पार्ट को, सेक्स को वीक करता है। कहीं ना कहीं उनमें अंडकोश में कमी को दिखाता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम को दिखाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको लेडी डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। और ये तकरीबन मैंने पाया है कि ऐसे लोग अगर पानी का ज्यादा सेवन करते हैं और डॉक्टरी सलाह लेते हैं, तो ये जो नीले रंग का धब्बा या कह लो हरे रंग का डार्क सा निशान बनता है, ये खत्म हो जाता है। एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अंडकोश के इंटरनल पार्ट में ये प्रॉब्लम जरूर आती है। लेकिन अगर ये जो नपुंसक योग है, ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो गिर जाता है। ऐसे लोग अगर अपनी हिम्मत को बरकरार रखें और अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए खान पान का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करें और भगवान सूरज को जल देना शुरू कर दें, उनका कॉन्फिडेंस बनेगा, उनके डिसीजन लेने की क्षमता बनेगी, कहीं ना कहीं इस रोगों में काफी उनको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।